दोस्तों भारत में कई ऐसे पौधे हैं जिन्हें खरपतवार की श्रेणी में मानकर बेकार समझ लिया जाता है जबकि इन पौधों में दुर्लभ औषधीय गुण होते हैं ऐसे ही एक वनस्पति है दूधी जो बरसात में हिमालय की तलहटी और मैदानी इलाकों में बहुतायात पाई जाती है इस पौधे में केल मुहासे से निजात दिलाने के गुण के साथ श्वास नालिका में सूजन समेत कई बीमारियों के उपचार की क्षमता है दूधी घास औषधीय गुणों से भरपूर एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में बीमारियों के उपचार में किया जाता है इस घास को तोड़ने पर इसके पौधे से दूध निकलता है इसीलिए इसे दूधी घास कहा जाता है इसके अलावा इसे और शीता के नाम से भी जाना जाता है इसे थाइमी, भी कहा जाता है दोस्तों ये घास दो तरह की होती है एक छोटे पत्तों वाली जिसके पत्ते और फूल हल्के लाल रंग के होते हैं वही दूसरी बड़े पत्ते वाली जिसके पत्तों का रंग हल्का लाल रंग की होती है लेकिन दोनों के गुण एक समान हो होते हैं चलिए जानते हैं इसके उपयोग से होने वाले फायदे के बारे में इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके सो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने छोटा दूधी का पौधा लेकर आई हूं। तो दोस्तों देखिए ये है छोटा दूधी दोस्तों किसी छोटे दूधी को तोड़ने के बाद इसके पत्तों से इसके तनों से दूध निकलता है इसीलिए इसे दूधी कहा जाता है इसमें दो प्रजाति होती है एक छोटा दूधी और एक बड़ा दूधी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटा दूधी है मैं आपको बड़ा दूधी भी दिखा रही हूँ ये देखिये ये बड़ा दूधी है दोस्तों छोटा दूधी और बड़ा दूधी दोनों के गुण एक समान ही होते हैं इस छोटे दूधी को इस्तेमाल कर अपनी बीमारी को दूर किया जा सकता है मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी एक तरह से ये घास फूल से खरपतवार है इसे लोग नोच नोच कर फेंक देते हैं क्योंकि इसके बारे में वो नहीं जानते हैं दोस्तों दूसरी बात और मैं आपको बता देती हूँ आयुर्वेद में बहुत सारे पेड़ पौधे वृक्ष घास को खरपतवार सोना चांदी हीरा मोती और भ्रक जितनी भी चीज तुम जमीन से निकलने वाली है वो सभी आयुर्वेद में ही आती है दोस्तों आयुर्वेद में साक्षात भगवान का वास होता है शिव का वास होता है का वास होता है आयुर्वेद और डॉक्टरी इलाज में जमीन आसमान का फर्क होता है और डॉक्टरी के बाद रोग जड़ से नष्ट नहीं हो जाता कभी दोबारा भयंकर रूप नहीं लेता इसीलिए भारत भूमि को देवभूमि कहा जाता है लेकिन किसी वेद की निगरानी में ही जड़ी बूटियों का सेवन करना उचित है अमृत से बढ़कर होती है दोस्तों जड़ी बूटी ये जड़ी बूटी जमीन में फैली होती है चारों तरफ फैलती है इस तरह से देख लीजिए दोस्तों ये जड़ी बूटी ज़मीन से एक बार जाए कि किन किन बीमारियों में काफी फायदेमंद है सबसे पहले जान लेते हैं ब्लड शुगर और पेट के लिए ये कैसे फायदेमंद है सो दोस्तों दूधी घास ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है इसके काढ़े का सेवन करने से डायबिटीज की परेशानी में काफी लाभ मिलता है इसके अलावा दूधी घास का सेवन पेट की समस्या और पैचिस जैसी बीमारियों से निजात पाने के लिए किया जाता है अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एक बार दूधी घास का सेवन जरूर करें इसी के साथ अगर बात करें अस्थमा और खांसी के बारे में तो दूधी घास अस्थमा रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है इसके घास का काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा में काफी आराम मिलता है इसके सेवन पूरे दिन में दो बार करें ऐसा करने से आपको अस्थमा में आराम आराम मिलेगा वहीं अगर आप खांसी जुकाम की समस्या से परेशान हैं तो दूधी घास के चूरन का काढ़ा बनाकर सेवन करें इससे आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी अब बात करते हैं कि त्वचा के लिए कैसे फ़ायदेमंद है दोस्तों दूधी घास के सेवन से कई सारी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं ऐसे में अगर आप अपने चेहरे के पिमपल से परेशान हैं तो दूधी घास के पौधे का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं ऐसा करने से चेहरे व त्वचा से कील मुहासों की समस्या दूर हो जाएगी छोटा दूधी की जो जड़ी बूटी है ये कफ और पित्त दोष को भी ठीक करता है वाद कारक को बढ़ाने का काम करता है इसीलिए इसे वाद कारक भी कहा जाता है लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये मतलू में काफ़ी फायदेमंद है हार्ट किडनी लीवर को मजबूत करने वाली जड़ी बूटी है किसी भी तरीके का विशैला फोड़ा फिंसी भी हो चेहरे पर पिम्पल्स हो सबको ठीक करने वाली है ये आयुर्वेदिक चमत्कारी जड़ी बूटी है दूधी का पौधा कड़ी धूप में भी ये खिला रहता है सूखता नहीं है इसके और भी फायदे हैं तो वो भी जान लें हमारे लिए और कितना फायदेमंद है अगर किसी को अतिसार की बीमारी है जैसे कि अगर कुछ भी खाया है तो तुरंत टॉयलेट जाने का मन करता है पेट में दर्द होने लगता है कुछ भी खाते हैं तो पेट में दर्द होता ही होता है मरोड़े मारने लगता है दस्त होने लगता है तो उन भाइयों के लिए यह बहुत ही रामबान औषधि है अगर इसके ताजे ताजे पत्तों को पीस कर बीस एम एल रस निकाल कर छाछ के साथ पिया जाए तो उसका अतिसार बीमारी यानी पेट की समस्त बीमारी जो भी बीमारी हो पेट संबंधी वो ठीक हो जाती है अगर कमजोरी की वजह से शरीर में ताकत नहीं है तो ये ताकत का खजाना है ये बड़ी दूध इसे सुखा कर पीस कर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख दीजिए सुबह शाम एक एक चम्मच सादे पानी के साथ सेवन करें तो शरीर के अंदर बल बढ़ता है फिर ताकत आती है और उससे उत्तेजना भी बढ़ती है लेकिन दोस्तों ये उत्तेजना बढ़ाने वाली है वही बीपी वाले मरीज के लिए हानिकारक है अगर किसी को ब्लड प्रेशर रहता है तो वो इसका ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें दोस्तों अगर किसी के चेहरे में दाग धब्बे हैं फोड़े फिंसी है तो वो इसका डायरेक्ट पत्तों को पीस चटनी बनाकर पेस्ट तैयार करके अपने चेहरे पर लेप करें चेहरे में इससे चमक आ जाएगी और फोड़े फिंसी चेहरे की समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएगी जड़ी बूटी कफ को भी साफ करती है अगर कोई कफ का रोगी है तो इसे सुखाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए और उस पाउडर में आप इस जड़ी बूटी के पाउडर को बराबर मिश्री में मिला लीजिए अब इसके इस्तेमाल करने की विधि जान लेते हैं दोस्तों हर रात को रोज सोते समय इस जड़ी बूटी को एक चम्मच लेकर मुंह में डाल दीजिए और धीरे धीरे चॉकलेट के जैसे चूसते हुए रात रात को सो जाइए भर पानी ना पिए घंटा पानी पीने से बचे और कष्ट वाले व्यक्ति को यह बहुत ही ज्यादा फायदा देगा दोस्तों इस जड़ी बूटी के फायदे इतने ही नहीं है और भी है अगर किसी माता बहनों का बच्चा तड़पता है कुपोषण हो गया है तो उन माता बहनों को इसका प्रयोग कुछ इस तरह कर है पत्तों को तोड़कर धोकर साफ करें और उसके बाद इसे धूप में सूखने के लिए रख दें और सूखने के बाद इसका पाउडर बनाकर रख दें और सुबह शाम एक एक चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें और ऊपर से 200 ग्राम दूध पीने दांतों के लिए भी काफी फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है इसी के साथ अगर हम बात करें रतौंधी की तो रतौंधी एक रोग है जैसे की मान लीजिए शाम को सूरज ढलने के बाद किसी किसी को दिखाई नहीं देता कम दिखाई देता है या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता और रात को तो देख ही नहीं पाता तो ऐसे रोगियों के लिए भी ये काफी फायदेमंद है इसे पीस कर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख लीजिए और सुबह शाम एक एक चम्मच शहद के साथ और 200 ग्राम दूध के हिसाब से सेवन करना है और ऊपर से कच्चा अंडा पीना है सुबह खाली पेट रतौंधी का रोग दोस्तों पंद्रह से बीस दिनों के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये जड़ी बूटी पेट को ठंडा करती है पेट को आराम देती है लीवर को मजबूत करती है अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की लीवर के अंदर प्रॉब्लम है तो वो इसके हरे हरे पत्तों का रस निकाल कर बीस ग्राम सुबह खाली पेट पी जाए तो उसके पेट की समस्त बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी बताया जाता है ये एक दवा नहीं अमृत है बहुत सारी बीमारियों का अकेले इलाज करने वाली ये एक जड़ी बूटी है जिसे हम दूधी के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसे नागार्जुन भी कहते हैं दोस्तों इसके फल फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं दोनों तरफ एक एक पत्ते होते हैं उन पत्तों के बीच में फल फूल लगता है ये बहुत छोटा पौधा है इसीलिए ये पूरा नहीं दिख रहा फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए पहचान लीजिए ताकि आपको कहीं अगर दिखाई दे तो आप इसका इस्तेमाल करें इसका पूर्ण लाभ उठाएं यह काफी नमी भूमि में पैदा होने वाली जड़ी बूटी है जहाँ अक्सर पानी मिलता है थोड़ी मदनी हो खेत फरिया में भी पैदा होता है ये पौधा अगर किसी माता बहन स्त्री को लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो या फिर रक्त प्रदर हो गया है या सफेद वाइट पदर में हो दोनों तरह के रक्त व्हाइट ब्रदर लकोरिया रोग में ये काफी फायदेमंद है सुबह सुबह खाली पेट इसके रस को निकाल करके कम से कम पंद्रह एम तक आपको पीना है लुकोरिया बिल्कुल ही ठीक हो जाता है तीन चार दिन के अंदर ठीक हो जाता है दोस्तों या फिर यह धातु रोग के लिए भी काफी फायदेमंद है अगर किसी पुरुष को धातु का रोग है पेशाब चढ़ा रहता है तो इसके पत्तों को पीस करके ताजे ताजे पत्तों से रस निकाल कर सुबह खाली पेट गन्ने के जूस के साथ पीना है है दोस्तों ऐसा करने से धातु रोग एक महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा पित्त का नाश करने वाली वात को बढ़ाने वाली यह जड़ी बूटी बहुत कारगर है लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद है ये पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिन पुरुषों में उत्तेजना नहीं होती या पत्थरी की शिकायत है दोस्तों दर्द के लिए भी ये काफी फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है अगर किसी को जोड़ों में दर्द है हाथ पैर घुटनों में दर्द है तो इस तरह से इस जड़ी बूटी को उखाड़ कर दो सौ ग्राम जड़ी बूटी के तौर पर और पाँच सौ ग्राम जैतून के तेल में ध्यान से पकाते समय पचास ग्राम उसमें लहसुन डाल दीजिए और जब हफ्ते भर में ये बिल्कुल काला हो जाए तो लहसुन भी डाल दीजिए और लहसुन को भी जला कर उतार कर, इसे निकाल कर कर बाहर दीजिए जैतून के तेल को ध्यान से किसी बोतल में भर दीजिए और फिर जहां जहां आपको दर्द होता है उस जगह पर उस तेल से मालिश करनी है और अपने घर में से किसी भी व्यक्ति पर भी आप मालिश कर सकते हैं अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके हर प्रकार के दर्द में आपको राहत मिलती है हो सकता है कि काफी दिनों तक इस्तेमाल करने से दर्द जड़ से ठीक भी हो जाए दोस्तों इसके फायदे और भी हैं अगर किसी को भाव हाँ है फोड़ाफिसी है तो उसमें भी ये बहुत ही आपकी मदद कर सकती है ये जड़ी बूटी बहुत ही चमत्कारी है आपकी हर प्रकार से मदद कर सकती है सो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगी अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे हम मिलेंगे जल्द ही तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद